Kadambani Children's Academy, CBSE Affiliated High Tech Education Center, Indranagar, Ujjain. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। उज्जैन आज में आपका स्वागत है। युवक को शराब पिलाई और विवाद करने लगे, उसके पिता उसे बचाने आए तो उनकी हत्या कर दी गई। इस्कॉन के पीछे की इस घटना में पत्थरों और डंडों से हमले के इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर के पीछे झुकी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर को कुछ युवकों ने साथ में शराब पीने के लिए बुलाया। झोपड़ी से कुछ दूर स्थित सुलभ शौचालय के पास बैठकर सभी ने शराब पी। उसी दौरान कहासुनी हुई। युवकों ने मजदूर पर पत्थरों से हमला किया। उसके पिता बचाने आए तो युवकों ने पत्थर, डंडे और पाइप से पिता पुत्र को पीटना शुरू किया, जिसमें मजदूर के पिता की मृत्यु हो गई जबकि पुत्र घायल हो गया। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। कुंदन पिता लक्ष्मण गोंड निवासी इस्कॉन मंदिर के पीछे रात 10:30 बजे अमन मालवीय, भूरा जायसवाल, शानू ठाकुर, पिंटू बना, निर्मल बना पहुंचे। उन्होंने कुंदन के साथ में शराब पीने की बात कही और उसे झोपड़ी से कुछ दूर सुलभ शौचालय के पास ले गए। यहां सभी ने साथ में शराब पी। उसी दौरान कुंदन और अमन के बीच कहासुनी हुई और सभी युवकों ने पत्थरों से कुंदन पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए कुंदन झोपड़ी की तरफ भागा। शोर सुनकर उसके पिता लक्ष्मण गोड़ बचाने आए तो युवकों ने उन पर भी पाइप व डंडों से हमला कर घायल किया और भाग गए। घायल कुंदन के पिता को देखा तो सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसने डायल 100 पर फोन किया और बुआ रामकली, दोस्त विशाल के साथ माधोनगर थाने पहुंचकर शानू ठाकुर, पिंटू बना, निर्मल बना, अमन मालवीय, भूरा जायसवाल के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कराया। टीआई दिनेश प्रजापति ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हरिजन एक्ट की धारा भी लगाई गई है। साथ ही एक आरोपी शानू ठाकुर को हिरासत में लिया है। कुंदन ने पुलिस को बताया कि उसकी मां नर्मदा की 7 वर्ष पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी। पिता पुत्र दोनों मजदूरी करते थे और इस्कॉन के पीछे झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। कुंदन ने नागदा में रहने वाली प्रियंका प्रजापति, तलाकशुदा महिला को अपने साथ रख लिया था और कुछ दिन बाद दोनों शादी करने वाले थे। अभी उन लोगों ने मुझे दारू पिलाया है और मतलब बहुत मारा और पता भी है। उसके बाद में मतलब मेरे पापा का मर्डर हो गया ना, उसके बाद में रिपोर्ट डालने आया तो सर मेरे को थाने पे भी बहुत मारा इन सब पुलिस वालों ने मिलकर। और उसके बाद में पता भी है, मैं जिस जिस के नाम की रिपोर्ट डाल रहा हूँ, जो जो था उनने किसी के नाम की रिपोर्ट नहीं लिख रहा ढंग से। मतलब उसके शानू के पापा भी थे और उसके बाद में 6-7-8-1 जने थे। मतलब 6 जने के नाम में कोई याद है, 6 के नाम लिखा दिया, उसके बाद में भी नाम नहीं लिख रहा पूरा। इस्कॉन मंदिर के पीछे झुग्गी झोपड़ी, वहाँ पे सर में गया था तो मतलब वहीं पे रहता था मैं। तो मतलब उन सब जने ने मिलकर मेरे को पहले तो दारू पिलाई और उसके बाद में मेरे को भी मारा और मेरे पापा का मर्डर कर दिया। और मैं रिपोर्ट डालने गया थाने पे तो उनने पता ही थाने पे मेरे को पुलिस वालों ने मारा और उसके बाद में पता भी हो और पता ही पुलिस वाले बोल रहे कि तूने खुद ने तेरा बाप को मार डाला। कुंदन ने नागदा में रहने वाली तलाकशुदा महिला प्रियंका प्रजापति को अपने साथ झोपड़ी में रख लिया था और अमन झोपड़ी के सामने से आते जाते प्रियंका को घूरता था। कुंदन को इसका पता चला तो उसने अमन को समझाया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई लेकिन मामला थाने तक नहीं पहुंच पाया था। कल रात्रि दिनांक करीबन 10:30 बजे के आसपास की बात होगी। इस्कॉन मंदिर के पीछे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कुंदन, पिता लक्ष्मण, इसके दोस्तों के साथ बैठ के शराब वगैरह पी रहा था तो उनके बीच आपस में कुछ विवाद हुआ। उस विवाद के कारण इनके पिता ने, विवाद जब हुआ तो पिताजी बीच में आ गए और पिता वगैरह के बीच में हाथापाई हुई तो इन्होंने स्टील के पाइप से पिताजी पर वार कर दिया जिससे उनकी डेथ हो गई। इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह गोड़ था। अभी इनका पीएम हो रहा है, पीएम उपरांत जो भी जांच में सामने आएगा वो आपके सामने।